सिनेमा के कई कलेवर होते हैं, कुछ हमें हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ डराते हैं, लेकिन कुछ सिनेमाई अनुभव बहुत घिनौने भी होते हैं। इनमें अजीब विभत्स दृश्य होते हैं, इनको देखने के लिए बहुत मजबूत जीरा चाहिए होता है, इतना ज़्यादा खून खराबा कि दिल दहल जाए। शायद इन्हीं फिल्मों के लिए कहा गया है कि कमज़ोर दिल वाले लोग इनसे दूर रहें। नज़र है ऐसी ही मजबूत, दिलों को भी धड़काने वाली पिक्चरें। ₹2003 में आई फिल्म रॉन्ग टर्न का स्लैशर फिल्मों की दुनिया में बड़ा नाम है। स्लैशर फिल्में माने ऐसी हॉरर पिक्चरें जिनमें एक किलर कुछ लोगों को स्टॉक करते हुए मौत के घाट उतार रहा होता है। इस पिक्चर का प्लॉट भी ऐसे ही है। कुछ दोस्त किसी वजह से एक जंगल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदरूनी इलाके में घुसते जाते हैं, कई खूनी रहस्यों से उनका सामना होता है। अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी 20th Century Fox रॉन्ग टर्न की डिस्ट्रीब्यूटर थी। कहा जाता है कि फिल्म में इतनी हिंसा थी कि इसे आर रेटिंग पाने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिल्म को टीवी स्पॉट्स मिलने में भी बड़ी दिक्कतें पेश आईं। कहते हैं इसी कारण से इसके कई सीक्वल्स को डीवीडी बनाकर बेचा गया। फिल्म को रॉब स्मैट ने डायरेक्ट किया था। स्क्रीम भी 1996 में आई एक स्लैशर फिल्म है। वेस क्रेवन ने इसे डायरेक्ट किया। केविन विलियमसन ने पिक्चर लिखी थी। आगे चलकर इससे फ्रेंचाइज की और पिक्चरें आईं। एक टीनेज लड़की की माँ का मर्डर हो चुका है। इसे ठीक एक साल बाद मास्क पहने एक घोस्ट फेस नाम का किलर उसे और उसके दोस्तों को टारगेट करता है। इसके लिए वो कुछ डरावनी फिल्मों को एक घातक खेल की तरह इस्तेमाल करता है। अगर विश्व सिनेमा चाट चुके मूवी बफ से कुछ विभस्त पिक्चरों के बारे में पूछेंगे तो वो स्क्रीम का नाम शर्तिया लेंगे। '74 में आई द टेक्सस चेनसॉ मैस्कर का ट्रेलर ही देखकर दिल दहल जाएगा। सोचिए जिस यंत्र से एक मोटा पेड़ काट कर गिराया जा सकता है उससे आदमियों को काटा जाए तो क्या होगा। इस पिक्चर में कुछ ऐसा ही होता है। 5 दोस्त रूरल टेक्सस पहुंचते हैं अपने दादा की कब्र देखने। रास्ते में वो एक घर में घुस जाते हैं सिर्फ वहां कुछ भयावह खोजने के मकसद से। फिर उन्हें मिलता है एक हैवान जो लकड़ी काटने वाले चेनसॉ से लैस है। इस पिक्चर को टोब हूपर ने डायरेक्ट किया है। द टेक्सस चेनसॉ मैस्कर को विश्व की कुछ सबसे ज्यादा विवादित फिल्मों में से एक माना जाता है। टाइम्स ने भी इसे एक समय पर दुनिया की 50 कंट्रोवर्शियल फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया था। जॉर्ज रोमेरो की 1978 में आई एक फिल्म है डॉन ऑफ द डेड्स। इसे मास्टरपीस माना जाता है। कई सिने एक्सपर्ट इस पिक्चर को ऑल टाइम बेस्ट जॉम्बी एपोकैलिप्टिक फिल्म कहते हैं। भयंकर डरावनी और अजीब पिक्चर की दिल दहल जाए। पर इससे भी खतरनाक और खूनी है इसका सीक्वल डे ऑफ द डेड्स। भयंकर घिनौनी पिक्चर। इसके घिनौनेपन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 5 से 6 लोग मिलकर एक आदमी का पेट फाड़ रहे हैं और अतड़ियों को साफ साफ स्क्रीन पर देखा जा सकता है। पिक्चर में ऐसे और भी कई सीन्स हैं। ये बंकर में छिपे हुए कुछ साइंटिस्ट और सैनिकों की कहानी है। उन्हें जॉम्बीज से मानवीय सभ्यता को बचाना है। इस फिल्म से टॉम सावनी के प्रोस्थेटिक मेकअप ने अलग पैमाने सेट किए। आगे चलकर इसे कई फिल्मों में कॉपी किया गया। 1980 में आई कैनिबल होलोकॉस्ट के बारे में जिससे भी पूछेंगे उसका जवाब होगा मन खराब करने वाली पिक्चर है। इसके दृश्य इतने खतरनाक हैं कि गूगल भी इसके फोटोज नहीं दिखाता। सर्च करने पर लिख कर आएगा दिस इमेज मे कंटेन एक्सप्लिसिट कंटेंट। ये सिर्फ एक खून खच्चर पिक्चर नहीं है बल्कि अपने आप में बहुत अलहदा फिल्म है। दशकों बाद भी इसे लेकर कई विवाद होते रहे। इसे स्यूडो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया था। माने इसमें शूटिंग के दौरान स्क्रीन पर असल में जानवरों को मारा गया। एक विशाल कछुए को मारे जाने वाला सीन बहुत भयावह है। इसके अलावा इसमें आपको पुरुष और महिलाओं के साथ की जाने वाली यौनिक हिंसा मिलेगी। नरभक्षी तो मिलेंगे ही। फिल्म में एक प्रोफेसर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में डॉक्यूमेंट्री क्रू के रेस्क्यू मिशन के लिए जाता है। वहां उसे उनके द्वारा एक शूट की गई फिल्म का एक हिस्सा मिलता है। उस डॉक्यूमेंट्री का गोल था नरभक्षी जनजातियों का अध्ययन करना। चूंकि कैनिबल होलोकॉस्ट को ऐसे शूट किया कि ये एकदम असली लग रहा था, इसलिए बाद में इसके डायरेक्टर पर आरोप लगे कि उन्होंने सच में जाकर अफ्रीका में इंसानी हत्याएं की ताकि फिल्म रियल लगे। उन्हें आगे चलकर अथॉरिटीज के सामने ये प्रूव करना पड़ा कि स्क्रीन पर एक्टर्स को असल में नहीं मारा गया। हालांकि ये विवाद अब भी रह रहकर उठता रहता है।
अब तक इस फिल्म के शूट को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। 1992 में एक न्यूजीलैंड की जॉम्बी फिल्म आई ब्रेन डेड। इसे नॉर्थ अमेरिका में डेड अलाइव के नाम से जाना गया। बाद में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसे डेड अलाइव ही कहा जाने लगा। कई लोगों की नजर में ये अब तक बनी सबसे ज्यादा रक्त रंजित फिल्म है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के डायरेक्टर पीटर जैक्सन इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भयानक हॉरर फिल्मों से की थी। ब्रेन डेड उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म है। ये कहानी है एक लड़के की जिसकी माँ को एक चूहे और बंदर के हाइब्रिड प्राणी ने काट लिया है। उसकी माँ जॉम्बी में तब्दील हो गई है, पूरे शहर को संक्रमित कर रही हैं, कुत्ते को खा रही हैं, पड़ोसियों का काम तमाम कर दे रही। वो लड़का इस जॉम्बी आउटब्रेक से पूरे शहर को बचाने की कोशिश करता है। इसके फाइनल सीन को सिनेमा इतिहास के बेस्ट जॉम्बी स्लॉटर सीन्स में से एक माना जाता है। हाई टेंशन 2003 में आई एक ब्रूटल फ्रेंच फिल्म मानी जाती है। इसमें कुछ बहुत डिस्टर्बिंग वॉयलेंस सीक्वेंस के अलावा और भी कई अजीब घिनौने एलिमेंट्स हैं। ये एक महिला की कहानी है जो सीरियल किलर के चंगुल से अपने दोस्त को बचाने की भरसक कोशिश करती है। इसमें आप गला काटने के बहुत भयानक सीन देखेंगे, कुल्हाड़ी से होते हुए मर्डर देखेंगे। एक सीन तो ऐसा है जिसमें खून पूरी स्क्रीन को ढक लेता है। अलेक्जेंडर जॉन अकार्डी की इस पिक्चर को न्यू फ्रेंच एक्सट्रीमिट्री फिल्म्स का हिस्सा माना जाता है। ये 21वीं सदी में बनने वाली ऐसी फिल्में थीं जिनमें खूब सारा खून खराबा, शारीरिक और यौनिक हिंसा थी। ये फिल्में खूब विवादों में रही। ऐसी घिनौनी विभस्त फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें सॉ, आई, स्पिट ऑन योर ग्रेव जैसी भी कई सारी फिल्में शामिल हो सकती हैं, पर हमारे पास समय और शब्दों दोनों की कमी है, इसलिए इस लिस्ट को लंबी करने की जिम्मेदारी अब हम आपको सौंपते हैं। कमेंट बॉक्स में इन 7 फिल्मों के अलावा और भी फिल्मों की लिस्ट जोड़िए, हमसे साझा कीजिए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।